चराचरम सत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति सुपुत्र भागवत ये हमारा औपचारिक एक लंबा सत्संग बहुत अच्छे चल रहा है, बड़ी कृपा है। दो दिन का सत्संग होता है विशेष, एक रविवार और एक शनिवार, और हम मिलते हैं आपसे चर्चा करते हैं। आज का सत्संग कल रात के सत्संग की कड़ी समझनी चाहिए। रात को गत रात्रि को विचार हुआ था कि मनुष्य भक्ति कैसे कर सकते हैं। सब कहते हैं भक्ति करनी चाहिए, हर एक कहता भक्ति करें, शास्त्र में लिखा है भक्ति का मतलब है ईश्वर का समीपता, ईश्वर को जानना। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मेरे नजदीक आ जाओ, मुझे मानो, मुझे ध्यावो, और ये भक्ति तुम भक्त बन जाओगे और तुम्हारे सारे कर्मों को मैं अपने पर ले लूंगा। भक्ति कैसे करती है? भक्ति का मतलब होता है उसका पहला स्टेप जो है, जो हो ना हो दूसरा स्टेप नहीं मिलता। योग दर्शन के अंदर जो यम नियम है, भक्ति का पहला स्टेप क्या है, और पहले स्टेप को उल्लंघन कर लेंगे तो हम कितने प्रयत्न करें ईश्वर की भक्ति नहीं मिलेगी। और वो हम देखते हैं सृष्टि के अंदर, जब कहते हैं सृष्टि बनी तो पहला काम ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का मेरा याद करो, मेरे संबंध हो, तो उन्होंने वही काम किया जो कहता है योग दर्शन कहते। वो क्या है? स्वाध्याय और ईश्वर भक्ति। स्वाध्याय पहले होता है, संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये पांच चीजें जो है, अगर पहली चीज ना होगी दूसरी नहीं होगी, ये लॉजिकल है। और इससे यम में अहिंसा सत्य बोध भी बात वही है, और योग के जितने अंग हैं वही है कि पहला स्टेप करते हैं बोलता है दूसरा। तो पहला स्टेप क्या है? भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो कहा मेरी भक्ति करनी है तो मैं तुम्हें वो पुस्तक देता हूँ जिसे पढ़ो और मैं भक्ति करूँ, बोलता वेद। अनादि काल से भगवान ने वेद का ज्ञान दिया और इसे पढ़ो और समझो, और मैं क्या हूँ, मेरे समझो। वेद अनादि है, भगवान ही अनादि है, सृष्टि भी अनादि है। अगर वेद ना होता तो ज्ञान भी ना होता और लोग अज्ञानी जाते हैं। स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय स्व में सेल्फ और ध्यान स्टडी, सेल्फ स्टडी। आज का आप भूल चुके हैं,
एक बच्चा भी स्कूल जाता है तो मास्टर पढ़ाता है और मास्टर कहता है भाई पढ़ के आना, पढ़ के आना मतलब स्वाध्याय करके आना। स्वाध्याय का मतलब ये, अगर ना पढ़ के आओगे तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो वेद दिया, पढ़ो पढ़ो और मेरी भक्ति हो गई, मैं ज्ञान प्राप्त करोगे। और स्कूल का मास्टर भी कहता है पढ़ के आना। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो किसी ने चलाया हो और स्वाध्याय का ग्रंथ न दिया। हमारी सृष्टि हमारे अनुसार चार युग हैं, सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, आज कलयुग में बैठे। ये गिनती है काल की, इसके बाद फिर चार युग आएंगे और ये रोटेशन चलती रहेगी। शास्त्र कहते हैं और है भी ऐसा, ये रोटेशन जो है युगों की चलती रहेगी और हर एक युग के अंदर एक पुस्तक होती है ताकि लोग भक्ति भी कर सके और गुरु भी होता है। आप मेरे वेद पढ़ो, ले लिखी मैंने। मैं सतयुग था आज से लाखों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व, गिनती भी आपको मिल जाएगी कितने सतयुग हो, कितना अरसा हो गया, लेकिन वो पुस्तक थी और गुरु भी था। हर एक युग का एक गुरु होता है, एक पुस्तक होती है, एक अवतार होता है। चार युग हैं, आप अवतार उसको कहते हैं जो विशेष शक्ति रहता है, और विशेष शक्ति तो कईयों की होती है, लेकिन ये एक युग अवतार होता है, उस युग का पूरा मास्टर जिसको सदा याद रखते हैं। सतयुग में जो भगवान का रूप हमें बताया अवतार था, वही जिन्होंने आर्य वंश को उज्जवल किया, एशिया से निकालकर हिंदुस्तान लाया और हिंदुस्तान के अंदर आ गए, वो उसका नाम सबका नाम है बादशाह इंद्र। एक इंद्र था जो उस वक्त आर्यवंश को हिंदुस्तान लाया, हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, अगर न लाता तो हम भी जाने होते। अब उसका नाम इंद्रों के कई नाम हैं, लेकिन उसको इंद्र ही कहते हैं, और उसकी जो गद्दी होती है उसे इंद्रासन कहते हैं। तो इंद्रासन भारत में आ गया और भारत में आकर क्या किया उसने, अपने साथ में गुरु लाया और वो जो वेद था वेद भी लाया। गुरु कौन था, मेरी पुस्तक पढ़ो। आचार्य अग्नि था जिसका पहला मंत्र मृग वेद का है, नमस्कार किया है, अग्नि ही रहे प्रभुतम, मैं उस गुरु अग्नि को नमस्कार करता हूँ, यहाँ से ऋग्वेद शुरू होता है। और वो और उसका उसके बाद उस बादशाह का नाम आता है इंद्र। गुरु का मंत्र पहले, शिष्य का मंत्र पीछे, और वेद उसका उस वेद पुस्तक कौन थी भाई, ऋग्वेद। तीन चीजें होती हैं आर्य युग के अंदर जो सदा याद रहती हैं, उनको नहीं भूल सकते। छोटी मोटी शक्तियां तो होती हैं, लेकिन ये जो युग की शक्ति होती है वो इंद्र और अग्नि ऋषि और ऋग्वेद, तीन चीजें होती हैं। हिंदुस्तान में सतयुग में यही था
लेकिन ऋषियों ने जब पढ़ाया, शिष्यों को पढ़ाया, तो वेद ही पढ़ाया और पुस्तक नहीं है। वेद पढ़ाते पढ़ाते शिष्य को, तुमने मेरे 25 साल पढ़ लिए, अब तुम्हारा काम यह है कि तुम इनको पढ़ते रहना। इनको भूल छोड़ने ना पढ़ने में, क्योंकि अगर छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। ये था शिक्षा। आज शास्त्र लिखे कि सेल्फ स्टडी से ही ज्ञान मिलता है, नहीं भूल जाता है। तो तुम सदा पढ़ते रहना, सदा पढ़ते रहना। लेकिन लोगों ने भूल लिया, जिनके झूठ जो पढ़ने वाले थे अनपढ़ हो गए, और इससे सतयुग जो त्रेता बदल गया। त्रेता में वेदों की मानता उतनी रही जितनी कर्मकांड की मानता आ गई, लेकिन वहां भी त्रेता में भी ग्रंथ भी दूसरे बन गए। त्रेता का जो अवतार है वो भगवान राम है, जिन्होंने जो हिंदुस्तान में आर्य आए थे उन आर्यों का राज स्थापित कर दिया, जो दूसरी शक्ति थी उन्हें खत्म कर दिया। एक युग अवतार हो गया, और उनकी जो गाथा थी वो वाल्मीकि ने बाद में लिखी, उसको रामायण कहते हैं। तो त्रेता युग की जो ग्रंथ है वो रामायण है, वाल्मीकि की रामायण। और गुरु भाई वाल्मीकि जो थे, राम के गुरु थे, वही थे जिन राम को शस्त्र दिए थे। लेकिन मैंने कहा था कि अवतार के विशेषता होती है वो यही कि जो शास्त्र में लिखा है उस पर अमल करता है। हम शास्त्र पढ़ेंगे अमल करेंगे ना। राम ने शास्त्र पढ़ा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बाबा चले जाए, उस पर अमल करके अवतार बन गया, उस युग का अवतार बन गया। तो त्रेता में राम अवतार हो गया, रामायण देव ग्रंथ हो गया, और भारद्वाज जो राम के गुरु थे वो गुरु बन गए। उन्हीं के कारण राक्षसों को हारे, और राम के गुरु ना होते तो राम हार जाता। वो तो गया था जंगल में, और आगे लाख हजारों की संख्या में राक्षस, कुछ नहीं था। एक दिव्य शस्त्र दी थे उसके गुरु ने, वही काम आया, नहीं तो कहाँ ट्रक भर के ले जाता, ट्रक तो थे ही नहीं इतने शस्त्र, वही काम करते। तो ये त्रेता था। अब उसके बाद द्वापर आया। द्वापर में क्या था, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, उन्होंने संसार में जो अनाचार था उसको मिटाया। इसलिए भगवान कृष्ण, मैं आता हूं संसार में धर्म की स्थापना के लिए और धर्म के नाश के लिए। और अर्जुन को यही कहा कि मैं यही करना चाहता था, ये मेरा वंश भी शराबी था और कौरव पांडव भी शराबी और ज्वारी थे और स्त्रियों का अपमान करते थे। अब जो कहते हैं मुझे पाप लगेगा, नहीं मैं कह रहा हूं। तो
کرشن اپنا کام کر کے چلے گئے, اور اس وقت ان کے گرو بھی تھے, پانڈو کاروں کے جو گرو تھے وہ کرشن گرو تھے, اور کرشن کی گاتھا لکھ گئی بھاگوت. گرو بھی اوتار بھی, یہ ویسے چبی شکتی ہیں اوتاری, لیکن انش اوتار ہے, پورن اوتار. کرشن کے لیے گایا کرشن تو ساکشات ایشور, اوتار جو ساکشات ہوتے ہیں وہ ایشوری کام کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یوگوں کے اندر جیسے راتوں سے دوپہر, دوپہر سے شام اور شام سے راتری ہوتی ہے, اسی طرح یوگوں کے بھی اندر سبھاؤ بدلتا رہتا ہے. آج کل یوگ ہے, آج وہ گھور راتری ہے, گھور راتری. اناچار, ہتیا, جھوٹ, فریب, یہ راتری ہوتی ہے, آج راتری ہے. اس راتری کو اب جیسے کرشن آیا جو وہاں کا میں دھرم کی ساپ رکھ لیا ہوں, رام آئے میں راکشی شکتیاں اور آسری شکتیوں کو بٹھانے کے لیے آیا ہوں, اور اندر آیا کہ میں سنسار میں اس آری یاگی کو مسچارج کرنے آیا ہوں. آری کا مطلب ہے جو انتی کرتا ریشا, جو آگے سب کو. تو اسے وید میں لکھا کہ نونتو وشو ماریم, سارے وشو کو آری بنا دو. پر آج جو کلیو میں ہے سارے وش کو بدماش ملا دو. آج یہی ہے, جو خرابی نہ کرے گا وہ زندہ ہی رہے گا. آج تو یہی آج لیسن یہی پڑھائی جا رہے ہیں کہ تم نے کون سے کام کرنے ہیں جس سے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے, غلط کام کرنے ہیں ہمارے سامنے. لیکن اس وقت وہ جو کسی کا اپدیش ہے کہ میں سنسار سے دھرم کی ستھاپنا کر جاتا ہوں, ستھاپنارتھم دھرمارتھم بناتا ہوں, تو آج کیا کر رہے ہیں؟ آج وہی رشیوں کی ودیا, ویدک ودیا جو بھول چکے تھے دھیرے دھیرے ختم ہوتی تھی, آج وہی وہ لائے ہیں, اور ان کا کام ہو رہا ہے. پچھلے 50 سال میں 100 سال کے اندر اتنا کام ہوا ہے, آشاتی دنیا کے اندر پھیل گئی. کیوں؟ وہ اوتار ہے, وہ بھگوان ہے. گرو کون ہے؟ مہاپرو. اور گرنتھ وہی رامائن, پر جی کے یوگ کی گرنتھ, تین چیزیں بھی ہیں. یہ سدا وہ ساتھیوں کی جو تین چیزیں ہیں وہ بھی سدا رہیں گی, تیرتا کی بھی سدا رہیں گی, اور واپس سدا رہیں گی, اور کالیو کی بھی. یہ ساتھیوں میں بھی یاد کریں گے کہ کالیو میں یہ گرنتھ رکھا گیا تھا, اور رام اوتار ہوئے تھے اور وہاں پر بھی تھے کوئی, پھر ساتھی آئے گا. تو یہ چکر چلتا ہے, اس گنتی کتنی ہے تو آپ اسے پا سکتے. اب یہ جو ہے یہ گیان جو ملی ہے کہاں سے ملے گا؟ سادھیا سیلف اسٹڈی ہوئی, گرو پڑھاتا ہے ہم اسٹڈی کریں. جب بھگوان نے بھگوان کو کہا سا ایش پوری شبھی گرو, ایشور گرو کا, اسے پستک بھی دی اور اسے گیان بھی دیا اور اس گیان کو آگے چلایا. اسی طرح جب سوادھیائے کے اوپر کر رہے ہیں تو سوادھیائے کو ہم نہ بھولے, سیلف اسٹڈی.
ये ग्रंथ लिखे भगवान ने, वेद लिखे और बाद ऋषियों ने आगे ग्रंथ लिखे, हम पढ़ते ही नहीं। जो पढ़ेगा ना तो फेल हो जाएगा, जो बच्चा घर पर मेहनत नहीं करेगा, सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। हम आज ज्ञान की दिशा फेल हो गए। फेल का मतलब है कि हमारे आचरण जो वेदक धर्मगुरु नहीं गया है, इसलिए हम अशास्त्र में आते हैं। तो जो योग का खास अंग है जिसे भक्ति मिलती है वो मैंने छोड़ी। अपना एक घंटा स्वाध्याय करें, कोई धर्म नहीं जिसका ग्रंथ नहीं है, लेकिन वो उनके पर क्या अजीब बात है, मुसलमानों को तो कुरान जान से प्यारा है, बाइबल ऐसा ही जान से प्यारी है, हमें अपनी गीता जान से प्यारी नहीं है। अजीब बात है। यही हमें कह रहे हैं कि हमें अपने ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। हम भक्त नहीं है, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु की रब की कसम भी खा सकते हैं, क्योंकि हम भगवान का ग्रंथ और भगवान से हमें प्रेम नहीं। कोई मुसलमान या कोई ईसाई अपने गॉड की, अपने अल्लाह की कसम नहीं खाएगा, हम तो रब नहीं सो, रब नहीं सो कमाल है, क्योंकि शिक्षा ऐसी नहीं है। अब जो प्रभु के शरण में आए हैं उस प्रभु जी का वो धर्म ही लाना चाहते हैं जो कि जरूरी है। तो रात को हमने कहा था कि हमें ये प्रभु जी के शरण में योग है। ये योग तीन प्रकार का है, लेकिन स्वाध्याय सब में है। और तुम बोलो अब क्या करें, आदत डालनी चाहिए। मैं कह रहा हूं तीन चीजें करो, हमें छोड़नी नहीं चाहिए। हम कहते हैं, गुरु कहते हैं, हम मानते हैं, तभी फायदा होगा। पर भी कहते हैं स्वाध्याय करो, हम करते हैं, बच्चे बच्चा कर रहे हैं, तो तीन चार अखंड पाठ हुए, परंतु ये आश्रम सारी जनता के लिए है। चंद लोग आए और यही बात सीखें कि अपने शास्त्रों को पढ़ें। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आधा मुसलमान पाठ करेंगे, आधे नहीं करेंगे, आधे ईसाई पढ़ेंगे, सब करेंगे, हम सब नहीं करते। तो इस योग, ये योगाश्रम है, तो योगाश्रम में प्रेरित ग्रंथ में लिखा है कि हमें योग भी करना, ये योग जो करना है इसकी तीन धारें हैं, जैसे त्रिवेणी में तीन धारें होती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ भी तीन ज्ञान की धारें हैं। एक धारी है आठ योग की, एक राजयोग की, एक कर्म योग की, राष्ट्रधार, इन सब धारों का अभ्यास भी करना है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं गीता का, तो उसने गीता एक, अब इधर बात करते हैं गीता जो स्वाध्याय करेंगे तो गीता है क्या। एक होता है साइंस, एक होता है माइथोलॉजी, फिलॉसफी। फिलॉसफी जो है वो भगवान, वो उसमें आध्यात्मिकता ज्यादा होती है,
और जो साइंस है उसने पृथ्वी की तत्व माया किसी है पृथ्वी तत्व, लेकिन दोनों की स्टडी जरूरी है। उसके भी असूल होते हैं, इसके भी असूल होते हैं। अब गीता जो पढ़ते हैं तो गीता में, गीता क्या पहले आप पूछे गीता ग्रंथ क्या है, गीता को कर्म योग का ग्रंथ कहते हैं। कर्म योग, कर्म क्या होता है काम, लेकिन उसकी साइंस है, उसके भी मेथड्स हैं। असूल है गीता के अंदर जो लाज है कर्म के, वो कौन से है, हर इंसान से लाभ होते हैं, ये गीता की लाग है। तो गीता एक श्लोक मैं आपको बताऊंगा, वो मुझे याद रखना चाहिए कि हम कर्म करें तो गीता क्या कहते हैं, कैसे कर्म करें, वो याद रखना चाहिए। गीता का खास उपदेश है वो, यानी जो मर्जी कर्म करें, मर्जी भी है। चार चीजें हैं गीता के अंदर जो कर्म के साथ संबंधित है, उन कर्म के हम असूल कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। एक श्लोक के अंदर मनुष्य को हम शास्त्री स्वामी जी पास गए, महाराज कैसा कर्म करना चाहिए, भाई तुम्हें स्वतंत्र है मेरे, जो मर्जी कर्म कर, हर एक नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकते हैं, कर्म नहीं है अधिकार रास्ते। ये गीता के भगवान कहते हैं गीता का जो नियम है कर्म का, वो पहले नियम ये है कि जो मर्जी कर्म करो, छुट्टी खुली छुट्टी है। हाँ मौज मौज है कर्म ही, अगर चाहे चोरी करो, डाका करो, या हेल्प करो, धर्म करो, अधर्म करो, कर सकते मनुष्य को पूरी छुट्टी मिली है, ये गीता कहती है। अब क्या करना फिर, हम जो का मरने चाह रहे, लेकिन दूसरा उपदेश है ना फैला शुक्र, फल पर अधिकार नहीं है, जो मर्जी कर्म करो, इंसान का इंसान के लिए धर्म है, जो मर्जी कर्म करो छुट्टी है, ना फैले शुक्र फल को करेंगे। संसार के अंदर चाहे चोरी करो, लेकिन कर सकते हो, लेकिन उसका फल क्या होगा, इसका प्रयोग तो किसी और के ऊपर, इसलिए हमें सोच समझ करना चाहिए कि जिसके फल पर हमें फिर पछताना ना पड़े। और तीसरी चीज माँ कर्म फल हेतु बु कर दिया, फल मिल जाए, लेकिन हमें फल ये जरूर मिलेगा, जरूरी बात नहीं है। माँ कर्म फल हेतु बु कभी ना कहो कि मुझे फल मिलेगा, उसके ना मिले
ये तीसरी चीज है, कर्म पर अधिकार है, फल के ऊपर अधिकार नहीं है। और हमें सोचना भी चाहिए हमें ये फल मिलेगा, मैं यत्न कर रहा हूं मैं जरूर पास हो जाऊंगी। चौथी चीज गीता कहती है पर ये समझ करके मुझे पता नहीं फल क्या होगा, पर कर्म बड़ा जरूरी है। माँ के संगो अस्तो कर्म नहीं, ये ना हो कि तू काम ही ना कर, काम करना ही करना है माँ के संग। हम तो साधु बन गए, हमें काम ही करना, काम भी करना है, लेकिन चार ये लॉज चार हैं, चार कर्म के लॉज हैं, ये गीता स्पष्ट कहती है कि तुम काम करने में स्वतंत्र हो लेकिन फल का स्वतंत्र नहीं। और दूसरा कि ये मत समझो कि जो हम चाहते हैं फल होगा, और ये भी ना कहो कि जब हो गए नहीं तो हम काम ही ना करें। चार चीजें और एक जगह गीता में ये भी लिखा है कि जो काम करते हैं उसका रिजल्ट पांच चीजों पर है। ये काम ये गीता है, ये एक्शन की किताब है ना। अब क्या कह गीता ये भी कहती है कि जो काम करते हो उसके पीछे चार पांच चीजें होती हैं। एक ये होता है अभिष्ठानम, जो काम किस जगह हो रहा है। दो आदमी काम कर रहे हैं, स्थान अलग अलग है, रिजल्ट भी अलग अलग होगा। एक खेत बीज है इस जगह, दूसरे पे उस जगह, क्लाइमेट अलग अलग है, फल भी अलग अलग है, स्थान अधिष्ठान स्थान। तो ये भी उस कर्मयोग की कसम में है। दूसरा क्या है, एक और भी बात है, अधिष्ठानम तथा कर्ता, जो करने वाले हैं उसकी शक्ति क्या है। एक हैंडीकैप है, मेहनत वही करेगा दूसरा नहीं कर सकता, या उसके गुण और हैं, तो स्थान का भेद होता है और कर्तव्य का भी भेद होता है। मैं और दूसरा आदमी जो काम करेगा वही काम करेगा, रिजल्ट एक जैसा नहीं होगा, वो करता फर्क में। तीसरी चीज होती है कि जो एक्टिविटीज है वो कैसे है। एक ट्रेनिंग ली हुई है वो झट काम कर लेते हैं, तो ट्रेनिंग नहीं है। ये जो है ये भी होती है, और उसके पास सामान क्या है। एक लोहार है या बढ़ई है, उसकी मशीनें हैं, दूसरे हाथ से चलता है, फर्क पड़ेगा। चार चीज आ गई, अधिष्ठानम करता और उसके जो काम कर ढंग है काम करने का, और जो सिर्फ ट्रेनिंग है। ठीक है, अब देखो काम गीता जो है कर्म शास्त्र है, मैं कर्म की क्या बरीकी गीता के कर्म योग में आशय हो जाते हैं। एक पांचवी चीज होती है, वो पांचवी क्या
पांचवी एक अजीब चीज है। एक दो मेर के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एक अच्छी ट्रेनिंग है बन जाएगा डॉक्टर, उसे शिक्षा देकर बन जाएगा डॉक्टर, और उसके सब कुछ है, हर चीज को मिलता है, वो दूसरे लड़के से अच्छा है उसके शहर, मगर पांचवी दैव चाहते पंचम हम पांच दैव है। जो लड़का डॉक्टर बनने जा रहा है और जो नहीं लायक था, ना लायक डॉक्टर बन जाता है, लायक नहीं बनता, रास्ते में उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जा नहीं सकता, वहां का दैव किस्मत भी एक कारण है, लेकिन हम किस्मत को पहले लेते हैं, उल्टा करते हैं, किस्मत और मैंने जो क्रम बताया अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चम दैवम, अधिष्ठानम अलग अलग बताया, वो तो जाहिर से होते हैं, ये कहें भाई मेरी किस्मत में नहीं था, नहीं किस्मत आती है, पर किस्मत को जगाने के लिए भाई किस्मत कौन बनाता है, भगवान। हम भक्ति से बहुत दूर जा रहे हैं, पहले ये चीज गीता की, हम भक्ति से दूर जा रहे हैं, हमारे जेब में गीता है, हमारी जान गीता होनी चाहिए, जैसे कुरान मुसलमान की जान है, ईसाइयों की बाइबल उनकी जान है, हमारी जान कुछ नहीं, हमारा जान पैसे है। तो इसलिए ये आश्रम जो है ये वही चीज कह रहे हैं जो इस वक्त जरूरत है, कि देखो अधर्म बढ़ रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, और कभी आए में धर्म की स्थापना हुई। ये जो आप काम कर रहे हैं तीन किस्म की धारें, कौन सी धारें, हठयोग की, राजयोग की, कर्मयोग की, तीन धारें हैं ये फैला रहे हैं, ये धर्म है, लेकिन अगर हम इसको अपनाए नहीं तो फिर से हमें कुछ के लिए, और नहीं नहीं तो भाई बात है कि भगवान धर्म की रक्षा करते, द्रोणाचार्य आदि सब करते थे, हम बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन भगवान ने कहा तुम अन्याय का साथ दे रहे हो, मत। अब भी जो हम अन्याय की तरफ लग रहे हैं उनके साथ दे रहे हैं, जो उनके से कर्म करते हैं, तो हमें भगवान का डर भी होना चाहिए, जिसको भगवान का डर नहीं है भगवान भी उसकी रक्षा ही करते। तो इसलिए भक्ति है, भक्ति यही है कि हम भगवान को समय का जैसा करें, भगवान की शरण में जाएं और भगवान से डरे भी। जो अष्टम आता है, एक आचार्य आश्रम का, अगर आचार्य के भय से नहीं काम था तो उसका आया फैल पड़ा। जो माता पिता के भय से नहीं डरता वो बेटा ही नहीं है, जो रब के भय से नहीं डरता भक्ति नहीं है, रब सब कर रहे। इसलिए हमें देखना है कि हम धर्म पर चले गए, वही बात कि करें काम उल्टा करें और फल अच्छा चाहें, उल्टा कर सकते हैं, गीता कहते कर सकते मैं फल अच्छा नहीं होगा, रेड लाइट है क्रॉस कर जाओ कर सकते हो, लेकिन फल क्या होगा,
हाल कई वक्त से उसी वक्त तुम्हें जेल थाने में ले जा सकते हैं, वहां से फैसला लेगा, दो दिन हवाले से आते हैं, कई फल उसके फल देने वाले। मैं अमेरिका में था तो मेरा दामाद जिस गाड़ी की स्पीड जिस पे उतरा था नीचे बैठा हुआ सिपाही देख सकते स्पीड का रोक लिया, पकड़ के थाने ले गया। अब वो ले जा सकता था, रेड लाइट जो क्रॉस करता है पुलिस वाला उसे थाने ले सकता है, जो उसे उसमें जुर्माना ले सकता है, टिकट भी काट सकता है। वो फल जो है वो हमारे अधीन नहीं है, कर्म हमारे अधीन है, कुछ भी फल हो सकता है। या वो रेड लाइट क्रॉस करेगा और ऐसे गाड़ी आती है टक्कर आती है मर जाता है, मौत भी हो सकती है। तो इसलिए कर्म हमारे अधीन है, फल हमारे अधीन नहीं है। तो हमें इसलिए कहा कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन देखो फल फिर नहीं कहेंगे फल अच्छा होगा, फल कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए गीता ही कहती है, गीता के चार बताया कि पांच चीजें भाई कर्म, ये गीता की फिलॉसफी है। हम गीता पढ़ते हैं तो कर्म योग का ग्रंथ है, ये बारीकी से पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि हम पढ़ लें और छोड़ दें। गीता सुगीता करता भैया बड़े ध्यान से पढ़ें, इसमें शिक्षा भी मिलती है। ये ग्रंथ योग इतना बड़ा ग्रंथ है जिसके मुकाबले कोई ग्रंथ नहीं, उसमें है क्या लिखा हुआ विचार नहीं करते। तो गीता हमारे जेब में आना चाहिए, ये मैं कहता हूँ कि बहने जो है उसके पर्स में गीता अवश्य होनी चाहिए। अब छोटी किताब में ये गीता ही तो है, रामायण ने लिखी 10 सारी किताब क्या नहीं रख सकते, और हम मोबाइल रख सकते हैं इतना मोटा बच्चे गीता रखते हैं, पर नहीं हमें विश्वास ही नहीं, मोबाइल घूम जाए तो मर जाएंगे, गीता घूमे जिंदा रहेंगे, गलत बात है। ये अष्टमेय ये शिक्षा दी है कि प्रेफरेंस किसी को देनी है और सेकेंडरी बात की कौन सी, प्रेफरेंस दो धर्म की चीजों को। और मोबाइल वाला ठीक है, उनके अपने गुण भी हैं दोष भी हैं, लेकिन गीता का कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है। तो रात का जो दर्शन था स्वाध्याय का, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी बस घंटा आधा घंटा सेल्फ स्टडी करनी और शांत से करनी है। मैंने गीता के देखो गीता के लाभ बताए, कौन बताएगा ये लाभ भी गीता के अंदर आध्यात्मिक लाभ, ये लाभ बहुत हैं जगह जगह गीता उनके खीर में जाकर एक लाभ है ये कि भाई अरे मुक्ति चाहते हो बस मेरे चरणों पर मुक्ति हो जाए, माँ मेरे चरणों पर सर्वधर्म प्रत्यज्ञ, और धर्म में प्रत्यज्ञ तुम ये कहो ये धर्म है ये धर्म है उसे छोड़ो, एक कहो मैं आपकी शरण में शरणम इच्छामि बुद्धम शरणम इच्छामि धर्मम शरणम, जैसे बोलते हैं हम क्रिश्चियन शरण ये है, ये भी ला है, ये जो ला होते हैं ना वो गलत नहीं होते सिद्ध होते हैं, पर करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये जो बताया कि अगर ईश्वर की भक्ति करनी है भक्ति बिना स्वाध्याय के नहीं होगा, स्वाध्याय इष्ट देवता संपन्न होगा, स्वाध्याय से तुम अपने इष्ट को प्राप्त करोगे भगवान जी। तो प्रभु जी कहें कि हम सुने नहीं पर करेंगे भी नहीं, सुनेंगे पर करेंगे नहीं
ये मैं पता, मैं दो चीज कहता हूं अब खत्म कर रहा हूं। एक तो कहता आप अष्टमी आते तो प्रभु जी खुश होंगे, गुरु की बात मानकर जो करते खुश होते, अनेकों आपके दोष दूर हो जाएंगे, अनेकों बीमारियां दूर प्रभु जी के पास होगी, अनेकों सिद्धियां बढ़ गई, आर्थियों की नीति कर राजनीति कर क्या सोचा नहीं, रमणीति कर गया। और गीता पाठ आपका सुननी चाहिए, गीता पाठ गया है। तीसरा ये हाथी हो गए, ये कर्मी हो गए, गीता का पाठ और हाथी हो गए। तीसरा ब्याह राज बड़ा मुश्किल, पर जो करेगा भगवान तक पहुंच जाएगा। हिंसा सत्य जान चले जाए यूस नहीं बोलेंगे, ये भी पक्का हो जाएंगे। हम एक पैसे के दूसरे बोल देते हैं तो तीन योग हैं, आठ योग आदि कार्य करो और कर्म योग गीता पढ़ गया करो। और याद रखो कोई रीत सदा चली जाए, काम जाए वचन जाए। भगवान राम, भगवान राम याद ही तभी याद होंगे जब ये सुन रहे हैं। भगवान ना कृष्ण याद होते हैं, ना राम याद होते हैं, ना उनके असुर याद होते हैं, तो भाई कुछ करना ही होगा। तो जो आश्रम आते हैं तो हम कहते हैं हमारा ऐसा सोसाइटी बने कि धर्म ही धर्म हो, और सोसाइटी बढ़ती चली गई दुनिया में धर्म का प्रचार हो जाएगा। आज अधर्म का प्रचार है, आज धर्म का प्रचार नहीं है, पर हम धर्म वो भी हो सकता है क्योंकि कल युग में सत्य आना है, अब सत्य की तरफ बढ़ना है। तो भाई बहनों आज बात यही थी स्वाध्याय की, आप स्वाध्याय ना छोड़ें, गीता के पाकिट में चाहिए या पर्स में चाहिए, और गीता के छोटे रूप भी हैं, और गीता ये गीता ही है जो हम पढ़े, रामायण में से दी है, वो उपदेश वही है, दस सभी गीता क्या रख नहीं सकते। जब सफर में होते हैं पाठ में मुझे बड़ा फायदा हुआ है, मैं इस गीता ने मेरे जीवन में आ दिया। प्राइमरी क्लास में था तो ऐसा लगा कि लोग एक माता जी ने गीता दी और गीता प्लस गीता मैं रखा, उसके उसके गुरु की सी फोटो भी थी मेरे पास, वो बहुत साल नहीं वो ऐसे गई। अब दूसरी गीता आज से 80 लंबे साल पहले गीता पढ़ रहा और गीता फिर पूरी नहीं जाती, फिर भूल जाता हूँ। पढ़ पढ़ के मैं गीता के लाभ बताए, ये तो लाभ भी है गीता के अंदर, साइंस, ये साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है। बिना पढ़े ऐसे बारीकी का गीता है तो पढ़ना चाहिए। तो गीता और मेरे पास ना होती तो मैं आपके पास भी ना होता। अज्ञानी आप लोगों के इतने लोगों को क्या बता सकते हैं, और आप आते हैं मुझे खुशी होती है, आप अपने कीमती वक्त लेकर आते हैं, मुझे खुशी होती है कि वाकई मैं खुशकिस्मत हूँ जो प्रभु ने ये आश्रम में आया और उस सहयोग इतना मिल रहा है बड़े बड़े लोगों का, इसे धर्म फैल रहे। पर एक बात मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप अपने साथ अपने बच्चों को लाया कर, मुझे पता मैं अपने जीवन से देखा और मेरे पिताजी बचपन से इन धर्म में रहते,
तो मेरा जीवन अवध होता। जब अभी प्राइमरी क्लास में था तो मैं आयुष्मान ले रहे थे, शांत सुना रहे थे, गुरुद्वारे ले रहे थे, सुनो क्या कह रहे थे, वो छाप पड़ जाती है और पढ़ते 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 20 साल 50 साल गुजर गए, लेकिन वो छाप नहीं मिटी। और आज मेरी बात आपसे तो कह रहा हूँ कि मेरा जीवन तो मेरे पिता ने बनाया और आपका जीवन अपने पिता आप बच्चों को बनाए, पर लाए से आप वो इतना लाभ नहीं होगा जितना आपके बच्चे को लाभ होगा। आपके तो संस्कार बहुत है, और नहीं हम तो भाई कैसे कमाई करेंगे, बच्चों को पता लगेगा कि राम जो था उससे कुर्बानी दे दी। ये कहानियां जो है हरिश्चंद्र वगैरह की बच्चों के देते हैं, पर ना आम पढ़ते हैं ना बच्चों सुनाते हैं। तो ऐसे से आप आए हैं 50 आदमी हैं तो 50 बच्चे भी साथ हो जाए, या 200 बच्चे होने चाहिए क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं, तो आपका परिवार सुधर जाएगा। नहीं तो आज के परिवार के ऊपर वही बाढ़ का हवा चलेगी, बाढ़ की हवा कब बच्चा आएगा, बच्चे आते हैं देखो उनका बैठे भी आता है, ये बच्ची बजे बड़ा कितनी शांति बैठी है, ऐसे बच्चे बैठे उनको सोसाइटी बैठे भी आएगा और जो सुनेंगे अमल भी आएगा, उनके दिमाग के ऊपर असर होगा। तो ये और प्रार्थना है कि कल ना आया करें, मेरे पास जगह 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 बाकी तो सबके को तो मैंने बहुत बातें उत्साह की बातें कर दी, लेकिन हो सकता है कोई काम की हो, बहुत सच महाप्रभु श्री राम।